हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमझिम सिंह व्लॉग। सुबह का टाइम हो रहा है और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो काफ़ी पसंद किया था, मेरा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 9 मंथ्स प्रेगनेंसी अपडेट को लेकर। और थैंक यू सो मच। सो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ शार लेने के लिए। एंड उसके बाद फिर आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी व्लॉग शेयर किया जाए। आई डोंट नो मैं रेसिपी शेयर करूंगी या नहीं करूंगी, बट सो आज मन कर रहा है कि मैं व्लॉग शूट करूँ। तो बस सुबह से मैंने शुरू कर दिया है और सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले तो मैं नहाने के पहले मैंने ये दूध ले लिया था, गर्म कर लिया है। इसमें मैं घी डाल रही हूँ और थोड़े ही टाइम बाद इसमें मैंने केसर भी डाला था, जो कि मैं यहाँ पे वो क्लिप ऐड करना भूल गई थी। सो कुछ इस तरीके से मैंने रूटीन चल रही है। और उसी वक्त कृष्णा की मस्ती आप लोग देख सकते हो। ये अचानक सा प्लान हुआ कि फ़िश टैंक जो है वो क्लीन होगा, और जिसके ही पीछे सारा काम डीले हो गया। और मैंने यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी भी बना दी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। फाइनली इवनिंग टाइम में मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ फिर से। एंड सुबह का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से मैंने कुछ भी आप लोगों के साथ शूट नहीं किया, क्योंकि आज अचानक से फिश टैंक जो है वो क्लीन हो रहा था। तो बस उसी के चक्कर में सारा कुछ लेट हो गया। और फिर मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई थी, बट मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मतलब 1:30 बज रहे थे और मैं 1:30 बजे आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। लोग लंच करते उस टाइम पे मैं बना रही हूँ सब्जी। सो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने कहा कि फिर कभी शूट कर लेंगे और अभी के लिए फिलहाल फटाफट से बना लेते हैं। तो बस अभी इवनिंग टाइम हो रहा है। अगेन मुझे गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मम्मी और पापा आज जाने वाले हैं बाहर, थोड़ा सा चिल्ड आउट करने के लिए। तो फिर उनका खाना नहीं है घर पे और हम 4 जन का है। ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं है। मैं सोचा क्यों ना आप लोग के साथ थोड़ी बातें कर लिया जाए। और आप लोग भी मुझे कमेंट में अपने कुछ भी चीज़ें आप लोग शेयर कर सकते हो यार। अभी तो मैं थोड़े टाइम में रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी मोमोज शॉप पे। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे मोमोज के शॉप पे एक नई जो है चीज ऐड हुई है। वो क्या है वो मैं वहां जाके बताऊंगी और दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेरे न्यू शेफ लोगों से भी मिला दूंगी कि कौन है हमारे न्यू शेफ। अभी पहले कोई और था, अभी कोई और है। आज मोमोज शॉप पे चलेंगे और मोमोज देखेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, जिस दिन भी मुझे पता चला है दैट आई एम प्रेग्नेंट, उस दिन से लेके आज तक मैंने मोमोज नहीं खाए। मेरा शॉप होके भी मैंने नहीं खाया है। आई डोंट नो, मतलब टेस्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल मुझे ना वो पहले वाली जो क्रेविंग्स होती थी बाहर खाने की, वो नहीं हो रही है। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया। इट्स बिन 9 मंथ्स। लेट्स सी, अगर मेरा मन करता है तो जरूर एक हाथ पीस में ट्राई करूंगी। और रही बात मोमोज की, तो हमारे शॉप पे वेज मोमोज, चिकन मोमोज और पनीर मोमोज अवेलेबल है, अगेन स्टीम एंड फ्राई। तंदूरी भी है, कुरकुरे भी है। मैं एक बार मेन्यू कार्ड भी यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग देख सकते हो। तो जो कोई भी एरोली से देख रहा है मुझे, प्लीज 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 डू कम एंड विजिट। और आप लोग जरूर ट्राई करिएगा हमारे यहाँ का मोमोज, बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस। इनफैक्ट ये एक्चुअली मैं एकदम श्योरिटी दे सकती हूँ कि जिसने भी ये ट्राई किया होगा या करेंगे अगर आप, तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर आएंगे। गाइस, यही मुझे शेयर करना था बस। और अभी मैं चलाती हूँ फैन थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भागवत चल रहा है। मम्मी ने पूजा कर दिया है, कृष्णा नहीं है, कृष्णा गया है घूमने के लिए थोड़ा सा, तो फिर घर पे कोई नहीं फिलहाल के लिए। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड शॉप पर हैं।
सो अभी मैं जा रही फैन चालू करने के लिए, तो आप लोग पहले फिश टैंक देख लो यार, जिसके वजह से आज बहुत लेट हो गया मुझे और मैंने कोई व्लॉग सुबह से कुछ शूट नहीं किया। तो पहले फिश टैंक देखो कि कितना क्लीन हो गया है, ये देख सकते हो आप लोग, ये बहुत बदमाश है हमारी जो शार्क है ना, ये सबसे ज्यादा मस्तीखोर है, इनफैक्ट सबको यही परेशान भी करती है। सो ये सब देख सकते हो, इसमें से ये वाली फिश अगर आप देख रहे होंगे ना, ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी फिश यही है। और भी फिश थे हमारे पास बट वो सब यू नो धीरे धीरे करके वो सब मरते चले गए, अब हमारे पास सिर्फ इतने ही लेफ्ट है। कुछ अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज है कि हम फिश टैंक और किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं या कर सकते हैं, तो जरूर आप लोग मुझे बताइएगा। और अगेन आज इन लोगों की वजह से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी मीठे की क्रेविंग्स हो रही थी तो मैंने निकाला चॉकलेट, इसको मैं खूब अच्छे से एंजॉय करूँगी एंड उसके बाद हम चलेंगे शॉप पर। सो डेरी मिल्क इज़ माई फेवरेट। तो मैं आ गई हूँ शॉप पे, तो ये आप जो देख रहे हो ये नई आइटम है, इसको हम बोलते हैं चिकन वड़ा पाव। सो ये वड़ा है फुल्ली लोडेड विथ चिकन, यहाँ पे हमारे शेफ भैया, ये दोनों भी हमारे शेफ भैया हैं, ये यहाँ पे चिकन वड़ा पाव तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे मेरे हस्बैंड इसको ट्राई करके बताने वाले कि कैसा है। तो ये देख सकते हो इनका रिएक्शन, सॉस, मेयोनीज एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे कृष्णा जो है पोछा लगाने जा रहा है, ये देख सकते हो आप लोग, वो काफ़ी टाइम से कर रहा था तो मैंने सोचा चलो इस बार रिकॉर्ड कर लेती, तो बस मैं वही रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जैसे ही उसने देखा मुझे कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बस उसकी भी स्माइल कहाँ रुकी थी, अब वो भाग कर जाएगा, उसको फिर से धोएगा, फिर से ला कर पोछेगा। तो बस कुछ इस तरीके से रहा हमारा दिन।